अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आइए आज हम बनाने जा रहे हैं फ्लावर और अंडे का सालन। किस तरह बनाते हैं हम आपको तरीका बताते हैं। ये है हमारा एक बड़ा साइज़ का प्याज, इसको हम छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं। और ये है हमारा टमाटर, इसमें दो टमाटर हमने काट लिए मीडियम साइज़ के, इसको हम मिक्सर में ग्राइंड करते हैं। ये हमारा कांदा और टमाटर हमने ग्राइंड कर लिया है मिक्सर में। ये हमारे मसाले, हल्दी, मिर्ची, नमक, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर और लाल कश्मीरी मिर्ची पाउडर। ये हमारे अंडे उबाल के हमने छील लिए हैं, 6 अंडे हैं। कुकर हमारा गरम हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच तेल। तेल हमारा गरम होने के बाद सबसे पहले हम अंडे को कट लगाएंगे, क्योंकि अंडा जब तेल में फ्राई करते हैं तो फट फट उड़ने लगता है, इससे उड़ेगा भी नहीं और अपने ऊपर चिट्टा भी नहीं आएगा तेल का। तीन चार कट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। अब इसमें हम अंडे डालेंगे। तो अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। ताकि उड़े ना ढक्कन लगा दो। अंडे हमारे लाल हो गए, उसको हम निकाल लेंगे। फ्लावर को अच्छे से फ्राई करके निकाल लेंगे। फ्लावर को हमने अच्छे से धो के फिर थोड़ा सा गर्म पानी करके धो लिया था। कभी कभी क्या रहता है फ्लावर में बारीक बारीक कीड़े रहते हैं, तो उसको धो के निकाल लिए गर्म पानी से तो अच्छे से साफ हो जाता है। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्लावर हमारा हल्का हल्का लाल हो गए, इसको अच्छे से चलाते जाएंगे
ताकि पूरे में अच्छे से लाल हो जाए। अब फ्लावर को हम निकाल लेंगे। तो इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, दो तेज पत्ता, एक इलायची, एक फूल, दालचीनी की लकड़ी, चार पांच दाने काली मिर्च। इसमें डालेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ी ज़्यादा हो गया। अब हम डालेंगे कांदा और टमाटर का पेस्ट। ये हमारे मसाले हैं, लाल कश्मीरी मिर्ची आधा चम्मच, हल्दी पाउडर एक चम्मच, तीखी लाल मिर्ची एक चम्मच, नमक दो चम्मच, धनिया पाउडर एक चम्मच, गरम मसाला। आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे और तीखा जितना खाते हो, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है। मसाले को अच्छे से भून लेंगे। मसाला हमारा रेडी हो गया, तेल भी छोड़ दिया है मसाले ने, इसको अच्छे तरह से चलाते जाएंगे ताकि नीचे चिपके ना। अब इसमें हम डालेंगे ये फ्लावर, इसमें हमने डाला है एक पार्ट पानी, तो अच्छे से मिला लेंगे। ताकि मसाला हमारा फ्लावर के अंदर जज्ब हो जाए। मसाले का फ्लेवर फ्लावर में भी आ जाए अच्छे से। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। फ्लावर मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे ये फ्राई किए अंडे। तो अच्छे से हम मिला लेंगे।
इसमें हम डालेंगे ये एक पार्ट पानी, 1 लीटर। सालन के लिए हमें हमारे हिसाब से पानी डालना पड़ता है, आपको जितना चाहिए आप अपने हिसाब से डाल लें। अब इसको हम लगाएंगे 1 सीटी, हमारा सालन तैयार। सीटी आ गई हमारी, अब इसको हम खोल के चेक कर लेते हैं। गोभी बीमारी गल गई है, सालन हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हम निकालते हैं सर्व करने के लिए। जीरा राइस, ये हमारा अंडे और फ्लावर का सालन रेडी हो गया है, उसको हमने सर्व कर दिया है। इसको गार्निश कर देते हैं हरी धनिया पुदीना से। आप भी बनाइए घर में, अपने पूरे परिवार के साथ खाइए, इंजॉय कीजिए, खुश रहिए, सेहत बनाइए। सर्दियों का मौसम है, हरी सब्जियां ज़्यादा मिलती हैं, अच्छे से बनाइए और खाइए। फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।